दो अडोबी लाइट रूम में सबसे पहले हमें अपने फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सीधे जाएंगे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम सीधे चले जाएंगे शार्पनिंग पर ताकि हमको क्लियर इमेज बने, और नॉइस रिड्यूस करके हम सारी नॉइस हटा देंगे ताकि हम लोग एक स्मूथ इमेज मिले। फिर डीए से हम थोड़े से कलर वापस ले आएंगे, और उसके बाद हम थोड़ी बहुत आप अपनी मर्ज़ी से छेड़छाड़ देख सकते हैं मैं कैसे कलर से कर रहा हूँ। सीधे मास्किंग टूल पर चले जाना, उसके बाद हमें सेलेक्टिव कलर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं ऑरेंज पे सेलेक्ट किया तो सिर्फ ऑरेंज कलर सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रिफ़ाइन कर देंगे, और रिफ़ाइन करने के बाद आप इसमें ब्रश में जाएंगे और थोड़ा सा परफेक्ट कर लेंगे। देखिए अब परफेक्ट हो चुका है, एकदम नियर परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम अपना एक्सपोजर वगैरह इसमें सेलेक्ट करेंगे और सीधे जाके मेन चीज़ कलर चेंज कर देंगे। और कलर में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्लू स्टेंट में रखूँ ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। मैं ब्लू जो है ब्लू रखने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नॉइस में जाकर इसकी नॉइस रिड्यूस कर देंगे, हेज हटा देंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे ताकि ये बिल्कुल ही प्लेन और बैकग्राउंड से मिलता हुआ दिखे। अब देखिए पहले और बाद में कैसा था। अब आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड भी ब्लू है और ये कलर भी ब्लू है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सब्जेक्ट को देखने में। कलर व्हील की साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से देखें तो ब्लू के आगे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री टोन आता है ऑरेंज का। ये दो कलर कॉन्ट्रास्ट हैं जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू साइंस। इसके सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये कलर व्हील के दो अपोजिट टोन पर आता है, इसीलिए ब्लू बैकग्राउंड के आगे ऑरेंज कलर का ये कॉस्ट्यूम रखा गया था। सिनेमेटोग्राफर का इसका अच्छा खासा ज्ञान होता है। बाकी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि किस में सब्जेक्ट को देखने में ज़्यादा आसानी हो रही है और किस में कम आसानी हो रही है। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द अपने वीडियो में।